ये है MIUI 12 की लेटेस्ट कलरफुल थीम जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होती जा रही है। एंड दोस्तों मोस्टली काफ़ी सारे लोग इस थीम को अपने फ़ोन में इस्तेमाल भी कर रहे हैं। एंड आप में से काफ़ी सारे लोग इस थीम का लेटेस्ट अपडेट एंड लेटेस्ट फीचर के बारे में जानना चाहते हैं। तो दोस्तों इस थीम में देखेंगे कि आपको कुछ लेटेस्ट अपडेट भी देखने को मिले हैं। साथ ही साथ दोस्तों जो थीम है आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में जा रही है। सुगज अगर आपके पास रेडमी उसके बाद MI के डिवाइस या फिर पोको के डिवाइस है या फिर लेटेस्ट लॉन्चिंग रेडमी नोट 10 सीरीज़ के डिवाइस है, सो इस थीम को आप अपने फोन में बस वन क्लिक में अप्लाई कर सकते हैं एंड सारे के सारे फीचर्स को एक्सेस कर सकते हैं। सो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले, तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो गाइस अगर आपके पास लेटेस्ट लॉन्चिंग स्मार्टफोन जो कि रेडमी नोट 10, रेडमी नोट 10 प्रो या फिर रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स स्मार्टफोन है या फिर कौन सा भी MI का या फिर पोको का लेटेस्ट लॉन्चिंग स्मार्टफोन है, तो ऑलमोस्ट काफ़ी सारे स्मार्टफोन में देखेंगे MIUI 12 प्लस एंड्रॉइड 11 का अपडेट आपको आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है। एंड दोस्तों यही नहीं बल्कि अगर आपके पास कोई भी ओल्ड फोन है एंड उस फोन में देखेंगे MIUI 12 का अपडेट है, तो इस थीम को अप्लाई करने के बाद देखेंगे काफ़ी कलरफुल कंट्रोल सेंटर को इनेबल कर सकते हैं। एंड दोस्तों इस कंट्रोल सेंटर के जितने सारे स्विच टॉगल्स आपको मल्टीपल कलर्स के साथ मिल जाते हैं, जैसे कि ब्लू है, ऑरेंज है, ग्रीन है, उसके साथ देखेंगे आपको रेड कॉम्बिनेशन मिल जाता है अपने स्विच टॉगल्स ऑन या फिर ऑफ करने के बाद। साथ ही साथ दोस्तों नीचे के साइड में देखेंगे आपको जो भी स्विच टॉगल्स हैं उनको ब्लैक एंड व्हाइट मोड में कन्वर्ट किया गया, तो इसके वजह से देखेंगे कंट्रोल सेंटर मोस्टली काफी अट्रैक्टिव बन जाता है। एंड दोस्तों अगर आपको कंट्रोल सेंटर को लॉक स्क्रीन में एक्सेस करना है तो लॉक स्क्रीन में भी एक्सेस कर सकते हैं। एंड दोस्तों लॉक स्क्रीन में देखेंगे आपको शो ऑफ करने के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का भी आपको एनिमेशन मिल जाता है। इसके बाद दोस्तों होम स्क्रीन में देखेंगे जो भी डेट एंड टाइमिंग के जो स्टाइल है, अगर आपको स्टाइल चेंज करना है तो वन टैप में भी देखेंगे स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको विजेट्स को ऐड करना है तो विजेट्स को भी ऐड कर सकते हैं, काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे लॉन्चर मतलब कि ऐप ड्रॉअर के बारे में, तो ऐप ड्रॉअर में जितने सारे अकाउंट्स है मतलब कि एप्लीकेशन के अकाउंट्स है वो सारे के सारे अकाउंट स्टॉकेज एंड्रॉइड जैसे देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे सेटिंग में, तो दोस्तों सेटिंग के जो अकाउंट्स है मतलब कि सेटिंग के जो फंक्शन के अकाउंट्स है आपको डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट की शेप, उसके बाद आपको जो आइकॉन का कलर्स है वो भी डिफरेंट डिफरेंट मल्टीपल कलर के साथ देखने को मिल जाता है, जो कि डार्क ग्रे बैकग्राउंड में देखेंगे मल्टीपल कलर के आइकॉन्स काफी वेल एंड गुड लगते हैं। इसके बाद दोस्तों फंक्शंस देखेंगे, अंदर के जितने सारे फंक्शंस है आपको यहाँ पर बॉक्स टाइप देखने को मिल जाता है, जैसे कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में देखेंगे आपको जो भी फंक्शन है बॉक्स के अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं। तो जितने सारे फंक्शन है मतलब कि सेटिंग के फंक्शन आपको डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में देखने को मिल जाएंगे कलरफुल आइकॉन से, उसके बाद जो बैकग्राउंड आपको डार्क ग्रे टाइप का देखने को मिल जाता है। अवार्ड फोन सेक्शन में देखेंगे जो भी अवर फोन सेक्शन में आपको वही सेम आपको ग्रे टाइप का बैकग्राउंड है, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट फंक्शन है आपको बॉक्स के अंदर ऐड किया गया है। उसके बाद दोस्तों हम चेक करके देखेंगे अपडेटर का जो भी एनिमेशन है तो सेम टू सेम आपको MIUI 12 का एनिमेशन देखने को मिल जाता है। एंड दोस्तों 12.0.6.0 का एक लेटेस्ट अपडेट जो कि रेडमी नोट 10 प्रो के लिए कैमरा इंप्रूवमेंट का अपडेट आया है। अगर आपके पास रेडमी नोट 10 प्रो का डिवाइस है तो अपडेट को चेक कीजिए। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे सबसे मेन चीज के बारे में जो कि इसका कलरफुल कंट्रोल सेंटर, जिसके वजह से जो थीम है काफी मोस्ट पॉपुलर बनती जा रही है, क्योंकि दोस्तों कंट्रोल सेंटर में आपको मल्टीपल जो आइकॉन्स है वो आपको टॉप के आइकॉन्स कलरफुल देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि रेड, ग्रीन, ब्लू, उसके बाद देखेंगे ऑरेंज टाइप के आपको आइकॉन्स देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद दोस्तों रीसेंट मेनू के बारे में बात करेंगे तो रीसेंट मेनू भी काफी अट्रैक्टिव लग जाता है। इसके साथ दोस्तों बात करेंगे डायलर पैड, उसके बाद जो भी मैसेजिंग एप्लीकेशन है आपको क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉइड टाइप के देखने को मिल जाते हैं। अगर आपके पास ओल्ड स्मार्टफोन है तो अपने ओल्ड स्मार्टफोन में भी देखेंगे आपको क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉइड जैसा डायलर पैड, उसके बाद मैसेजिंग एप्लीकेशन देखने को मिल जाएंगे। वैसे दोस्तों Redmi Note 10 सीरीज में आपको पहले से ही स्टॉक एंड्रॉइड के गूगल की जो अपने डायलर पैड से फिर मैसेजिंग एप्लीकेशन से वो आपको मिलते हैं। एंड दोस्तों जो थीम है कोई भी थर्ड पार्टी थीम नहीं है, ऑफिशियली थीम स्टोर पे अवेलेबल है। सो अगर आप जाएंगे अपने थीम स्टोर पे, सो गाइस थीम स्टोर पे जाने के बाद आपको सिंपली सर्च करना है एंड्रॉइड 12। एंड दोस्तों एंड्रॉइड 12 सर्च करने के बाद आपको सबसे फर्स्ट नंबर पे एंड्रॉइड 12 प्रो मैक्स जो की प्रीमियम थीम्स अवेलेबल है, सिंपली दोस्तों आपको क्या करना है डाउनलोड करके अप्लाई करना है। इस थीम के ऑनर या फिर जो डेवलपर है कौन है मुझे पता नहीं है, लेकिन नीचे के साइड में देखेंगे MIUI एडिटेड बाय MIUI थीम्स एडिटर, इनके द्वारा आप देखेंगे जो थीम है थीम स्टोर पे अवेलेबल हो चुके हैं, तो बेझिझक आप उसको डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हैं अपने किसी भी डिवाइसेस के लिए, तो अपने डिवाइस में इस टाइप के कलरफुल कंट्रोल सेंटर को अप्लाई कर सकते हैं। सो गाइस आज के इस वीडियो में बस इतना ही, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ एंड फिर मिलेंगे कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।